हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर झकिर शाह एंड वी आर डूइंग वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर नंबर एट एंड वी आर डूइंग इट्स कम्प्रीहेंशन पार्ट सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कम्प्रीहेंशन पार्ट के बी पार्ट का हिस्सा ठीक है बी पार्ट जो हमारा uh, हिस्सा है उसको हमने करना है दैट इज़ ऑन पेज नंबर नाइन्टी टू ऑफ योर इंग्लिश बुक एंड पेज नंबर नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री है ना नाइन्टी वन नाइन्टी टू नाइन थ्री ये पूरा कम्प्रेंशन पार्ट का है नाइटी थ्री आपका ग्रामर पार्ट है चलिए बच्चों शुरू करते हैं बी पार्ट सो so, पेज नंबर नाइन्टी टू निकालेंगे और उसमें आप देखोगे इस चीज़ को रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लाइन्स दिए गए हैं उस लाइन को उन लाइन्स को हमने पढ़ना है और उसके बाद हमें uh, इनका क्या देना है आंसर देना है ठीक है नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे इफ़ अ वमन कैन बी अ प्राइम मिनिस्टर कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री वाई कॉन्ट सी बी अ रेस्लर ठीक है तो अगर एक वुमेन जो है एक लेडी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है किसी भी मुल्क का किसी भी देश का तो वो क्यों नहीं रेस्लर बन सकती तो इसको इसी का इसी पार्ट फर्स्ट का ए पार्ट है हु दिस वर्ड्स ये वर्ड्स किसने कहें तो सिंपल सी बात है ये वर्ड्स जो है किन किन की जबान से निकली हैं महावीर सिंह फोगाड़ जी के ज़बान से निकली हैं ठीक है एक ये हो गया चलिए वट डज़ दिस से अबाउट द स्पीकरस करेक्टर ये स्पीकर के करेक्टर के बारे में क्या बोलता है सिंपल सी बात है द स्पीकरस कैरेक्टर वॉस उनका जो स्पीकर का जो करेक्टर है वो इक्वल है पॉजिटिव है और वर्सटाइल है फॉर वेमेन है ना मैन और वुमेन उन दोनों को इक्वल बनाते हैं इनको पॉजिटिव नज़र से देखते हैं वेमेन को और वर्सटाइल हैं वुमेन्स के लिए एज़ पर दीज वर्ड्स इन वर्ड्स के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सी पार्ट को लेकर क्या लिखा है हाउ डज द स्पीकर सपोर्ट हिज़ वर्ड विद एक्शन्स उन्होंने अपने वर्ड्स को एक्शन में कैसे सपोर्ट करा यानी एक्शन करके यानी उसके ऊपर एक्ट करके कैसे सपोर्ट करा तो यहाँ पे हम uh, देखते हैं कि सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है ही स्टार्टेड टू ट्रेन हिज डॉटर्स है ना उन्होंने uh, अपने डॉटर्स को ट्रेन किया फॉर रेस्लिंग रेस्लिंग के लिए एंड अल्टीमेटली दे बिकम चैम्पियंस और आखिर में वो क्या दो हज़ार दस के बाद आपने हमने देखा था ना कि टर्निंग पॉइंट था उनका तो वो चैम्पियंस बन गए तो यहाँ से जो बातें उन्होंने कही है उन्होंने अपने एक्शन से उस चीज़ को साबित भी किया है ठीक है चलिए नाउ नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है उसी में पार्ट टू है इट वॉज अ ग्रेट एडवेंचर है ना ये कहा गया है तो इसी में क्वेश्चन है ए पार्ट हु सेट दीज वर्ड्स इन वर्ड्स को किसने कहा तो सीधी सी बात है ये वर्ड्स जो है आप चैप्टर में भी देख सकते हो क्या है बबीता ने कही है ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्या है वट वॉज अ ग्रेट ग्रेट एडवेंचर वहाँ पे ग्रेट एडवेंचर क्या था फिर द्रेटर एडवेंचर वीव द लाइफ ऑफ़ अ रेस्लर तो यहाँ पर रेडर लिखा हुआ है डब्ल्यू आर ई एस है वहाँ पर ठीक है डब्ल्यू आर ई एस टी एल ई आर तो वो एक तो रेस्लर का जो लाइफ जीना ज, रेस्लर का जो जिंदगी जीना वही उनके लिए एक ग्रेट एडवेंचर था ठीक है ना एज द ग्रू दे लव दिस लाइफ और जितना वो इसमें मैचोर होते गए बढ़ते गए है ना उनका एज बढ़ता गया उन्होंने इस लाइफ को क्या किया पसंद किया ठीक है इस लाइफ को वो, वो पसंद करते थे ठीक है चलिए उसके बाद इसी का सी पार्ट है क्या कहा है डेट द स्पीकर ऑलवेज थिंक इट एन एडवेंचर हाउ डू यू नो ठीक है क्या ये स्पीकर जो है आ, हमेशा इस चीज़ को मतलब क्या लाइफ को लाइफ ऑफ ए रेस्लर को एडवेंचर मानती थी तो सिंपल सी बात है मेरे हिसाब से तो यस yes, है ना वो शुरुआत से ही शुरुआत के कुछ मतलब हफ्ते ही उनको मतलब थोड़ा सा आकवर्ड लगा लेकिन उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल अपने मन से अपना लिया था ठीक है दस द स्पीकर ऑलवेज थिंक इट एड एडवेंचर ठीक है ना इसको हमेशा एडवेंचर मानते थे एज दे लव द लाइफ ऑफ़ ए रेस्लर यहाँ पे फिर से रेटलर लिखा है तो मेहरबानी करके यहाँ पे एस लग, जरूर लगाएं तो द लाइफ ऑफ़ ए रेस्लर एंड टायरिंग हार्ड डेज वर सेटिस्फाइंग टू दैम सबसे बात यहाँ पर पता चल जाता है कि जो हार्ड डेज होता है एक रेस्लर की लाइफ में प्रैक्टिस uh, करने के बाद है ना बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने के बाद वो उसको उनको मतलब क्या लग रहा था सेटिसफाई लग रहा था कि वी आर नॉट बॉडर अबाउट दैट ठीक है तो ये चीज़ से हमें पता चल जाता है कि स्पीकर जो है हमेशा इस चीज़ को uh, देखते थे ठीक है चलिए बेटा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम चलिए तो यहाँ पर क्या है थर्ड पार्ट माई गर्ल्स हैव चेंज नॉट ओनली आवर आवर विलेज बट ऑल्सो द इंटायर स्टेट ऑफ हरियाणा मेरी बच्चियों ने सिर्फ विलेज को ही चेंज नहीं किया बल्कि पूरे हरियाणा को चेंज किया ठीक है ये तो सिंपल सी बात है महावीर जी का वर्ड्स है अब देखते हैं ए पार्ट क्या है इनका वट इमोशंस डू दीज वर्ड्स एक्सप्रेस ये वर्ड्स किस इमोशन को एक्सप्रेस करता है सिंपल से बात है महावीर जी जो है एक प्राउड फादर को आ, ये एक्सप्रेस करता है यानी दीज वर्ड्स दैट महावीर एक्सप्रेस दैट महावीर इज ए प्राउड फादर यानी यह वर्ड ये एक्सप्रेस करता है कि महावीर जी जो हैं वो एक प्राउड फादर हैं वाले पिता हैं ठीक है जो फखर करते हैं जो नाच करते हैं अपने बच्चों की परफॉर्मेंस पर उनकी एक्टिविटीज पर अच्छा बी पार्ट है इसी का हाउ हैव बलाली एंड हरियाणा चेंज बलाली और हरियाणा कैसे चेंज हुए मैनी गर्ल्स ऑफ बलाली स्टार्टेड टू ज्वाइन महावीर जी मैंने बहुत सारे गर्ल्स जो है महावीर के जिम को जो सिर्फ वुमेन्स के लिए बनाया गया था उन जिम्स को ज्वाइन करने लगा एंड फिफ्टीन ईयर्स अगो पंद्रह साल पहले जो महावीर जी बिल्ड कर रहा था क्या द फर्स्ट एंड ऑनली रेस्लिंग रेस्लिंग जिम पर वुमन यानी पंद्रह साल पहले महावीर uh, जी ने एक पहला और सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए एक वुमेन रेस्लिंग जिम खोला था ना अब क्या है पूरा चेंज देखिए इन हरियाणा एलोन देर आर मोर दैन फिफ्टी से ज्यादा जो है, जा, है रेसलिंग जिम है फॉर ओनली फॉर वुमेंस के लिए तो ये एक बड़ा चेंज देखते हैं बला, बलाली और हरियाणा में भी ठीक है चलिए इसी का सी पार्ट देखते हैं हाउ डिड द गर्ल्स ब्रिंग अबाउट दिस चेंज गर्ल्स ने इस चेंज को कैसे लाया दे बाई डूइंग हार्ड वर्क एंड लव टर्ड्स रेस्लिंग द फोगा सिस्टर्स ठीक है ना जो एक तो उन्होंने क्या किया इस रेस्लिंग को लव करा और इसके लिए बहुत मेहनत करा ठीक है ना वन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ओलंपिक चैंपियनशिप उन्होंने जीत लिए दियर सक्सेस इंकरेज और उनके सक्सेस को इंक्रेज किया प्रोत्साहित किया कि इसने मैनी मोर वीमेन टू तो टेक आप रेस्लिंग यानी इनका जो सक्सेस था इसी सक्सेस ने इंक्रेज किया किया बाकी वुमेंस को कि वो भी रेसलिंग को टेकअप करें ठीक है ना तो इस सेशन में इतना ही स्टेट्यून ट्यून इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मिल, मिलेंगे ठीक है टिल देन गुड बाय हाफिज़